सभी लोग अपनों के लिए तो जीते ही हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के जीवन को रोशन करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसी एक शख्सियत हैं श्रीमती रेनाना झाबवाला जी। ऐसी महिला जो समाज की कमजोर वर्ग की मेहनती महिलाओं के जीवन को रोशन करने का काम कर रही हैं, इनके इरादों में जोश भरती हैं, इनके कदमों को गति देती हैं और साथ ही इनकी कोशिशों को हौसलों की उड़ान देती हैं। रेनाना झाबवाला ही हैं हमारी आज की तेजस्वी। समाज में हक और सम्मान का अधिकार हर वर्ग को है, समाज की वंचित वर्ग की महिलाओं को भी, लेकिन इनके अधिकार इन्हें मिल नहीं पाते। कमजोर समझी जाने वाली इन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को समाज में अधिकार और सम्मान दिलाने की दिशा में ही कार्यरत हैं रेनाना झाबवाला, जो भारतीय स्वरोजगार महिला संघ यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में सेवा कहा जाता है, इसी की राष्ट्रीय संयोजक है। देश भर की कामकाजी महिलाओं में से 94% असंगठित क्षेत्र से हैं, जिन्हें ना तो तनख्वाह मिलती है और ना ही सामाजिक सुरक्षा और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। इनकी तो इस वर्ग में गिनती भी नहीं होती। सब्जी बेचने वाली, कूड़ा बीनने वाली, घरों में काम करने वाली, दूध बेचने वाली, इन गरीब लेकिन मेहनती महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही हैं रेनाना झाबवाला। इतनी बुलंद कि समाज, प्रशासन और सरकार सभी सुन सके। विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों से गणित और अर्थशास्त्र में डिग्री लेने के बाद भी रेनाना जी के जीवन का आज एक ही मकसद है, इन महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण। इन्हें आत्मनिर्भर बन समाज में गर्व के साथ आत्मसम्मान की जिंदगी जीने की राह दिखा रही पद्मश्री से सम्मानित रेनाना झाबवाला ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर का जीवन जीने की ओर प्रेरित करती हैं रेनाना झाबवाला, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रेनाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ममता जी। रेनाना जी, आपके जीवन को अगर हम देखें तो 40 साल, लगभग 40 साल का लंबा जीवन आपने अपनी संस्था सेवा के जरिए इस समाज के वर्ग की इन महिलाओं के साथ इनके लिए बिता दिया है। आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या एहसास जागते हैं मन में? 40 साल निकल गए, याद भी नहीं आता कि कब शुरू किया था और कब कहाँ तक पहुँचे हैं जी। ऐसे लगता है कि 40 साल में बहुत कुछ हो गया है। पहले बहुत कम महिलाएं के साथ संपर्क था, अब इतनी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बदलाव आया है, और फिर भी यही लगता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। ये एहसास, ये संतुष्टि शायद आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती रहती है। लेकिन रेनाना जी, आप के अगर हम जीवन के शुरुआती दौर की बात करें तो आपने गणित में डिस्टिंक्शन हासिल की, और उस दौर में 70 के दशक की बात है जब आप हार्वर्ड गई वहाँ से डिग्री लेने के लिए। तब तो जो अलहड़ जो युवा रेनाना थी उनके सपने कुछ और होंगे, तब क्या उमंगे थी मन में? तब ऐसे लगता था कि ये गणित मेरी एक शौक थी एक्चुअली, और मुझे ये लगता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी। अच्छा। उस समय साइंस का शौक था, या सब लोग साइंस में जाते थे, तो मुझे लगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी। फिर मैं हार्वर्ड गई, वहाँ पे मैथ्स काफ़ी, वहाँ की तो काफ़ी उच्च कक्षा की मैथ्स है, तो वो सीखा। वापस आने के बाद, वापस नहीं आई, लेकिन बीच में मैं यहाँ पे अपने मदर फादर से मिलने आई, तो 2 साल के बाद। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, अब यहाँ जब हम लोग रहते हैं तो ये गरीबी दिखती नहीं है, वहाँ पे जब मैं गई और फिर वहाँ गरीबी दिखती नहीं थी, एक्चुअली गरीबी नहीं थी, तो जब वापस आई तो मुझे लगा कि अरे, मैं जिस देश में रहती हूँ, जिसमें बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे इतनी गरीबी, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी ये मैथ्स एंड साइंस में काट रही हूँ, तो मुझे एक फीलिंग, गिल्टी फीलिंग जैसे लगने लगा। अच्छा। कि कुछ करना चाहिए, कि तो मैं ही समाज के पास से लूँ और मैं समाज को वापस ना करूँ कुछ। तो तब से मुझे लगा कि मुझे किसी चीज में जाना चाहिए। पर एक युवा लड़की के मन में ये सोच आना भी बहुत बड़ी बात है रेनाना जी। तो आप फिर उसके बाद सेवा के संपर्क में कैसे आए? उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैथ्स से तो कोई फायदा नहीं है, मैथ्स करूंगी फिर समाज को क्या दूंगी मैथ्स में से। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैंने कहा इकोनॉमिक्स में से अकली समाज के लिए कुछ होगा। अच्छा। और इकोनॉमिक्स मैंने येल में किया, वहीं यूएसए में येल है। और करते करते मैंने पता किया, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है देवकी जी, देवकी जैन,
उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि आप मुझे कोई समाज सेवी संस्था के साथ मिला दीजिए। और उस समय सेवा की शुरुआत ही थी, इला बहन भट्ट हैं, उन्होंने सेवा की शुरुआत की। तो देवकी जी ने कहा कि आप सेवा में जाइए। तो मैं आई, मैंने देखा, मैंने छोड़ा नहीं, पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैं आई, मैंने देखा, मैंने इला बहन से बात की, फिर एरिया में गई, फिर मैंने अपने कॉलेज से कहा मुझे 1 ईयर्स लीव ऑफ एब्सेंस दे दीजिए। 1 ईयर लीव ऑफ एब्सेंस ले ली, उसके बाद 1 साल किया, फिर सेकंड ईयर लीव ऑफ एब्सेंस, फिर थर्ड ईयर लीव ऑफ एब्सेंस, उसके बाद मैं सेवा में रह गई। यानी कि आप अपनी हार्वर्ड और येल की डिग्री लेकर सेवा में आए, और आए तो कुछ समय के लिए, लेकिन फिर यही की हो गई, यही रह गई। हाँ जी, लेकिन सेवा में जो महिलाएं हैं जिनके लिए आप काम करती हैं, वो हमारे आए दिन संपर्क में आती हैं, क्योंकि वो हम सबके लिए काम करती हैं, सब्जी बेचना या और काम करना। हम इन लोगों को एक तरफ से देखते हैं समाज के इस ओर खड़े होकर, लेकिन आप इनके साथ काम करती हैं, इनके किस के संघर्ष होते हैं जीवन के, जो आपने बहुत करीब से देखे हैं? आप ये पूछ रही थी, 40 साल का पूछ रही थी, तो कल मैं अहमदाबाद में थी और मुझे एक महिला मिलने आई, उसका नाम है नानू बहन। और मुझे याद है 40 साल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि 30 साल पहले वो अपने गांव छोड़ के शहर में आई थी। गांव उसने क्यों छोड़ा, वो ऐसे परिवार से आ रही थी जो कि आज भी बहुत हमारे सारे देश में ये चल रहा है। वो ऐसे परिवार से आ रही थी जिसके पास ना तो ज़मीन थी, ना कोई रोज़गार का कोई भी जरिया था। तो वो, और वहाँ दुकाल हो रहा था, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं गुजरात में, एमपी में दुकाल चल रहा है जी। तो वो दुकाल के समय वो शहर में आई, उसके पर्स में उसने एक थैला जैसा रखा हुआ था, उसके पास 10 रुपये थे, 10 रुपये लेके आई। और 2 दिन वो और उसके हस्बैंड दोनों आए, और 2 दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिला, कि वो 10 रुपये बचा के रख रहे थे। अच्छा। फिर वो अपने कोई रिश्तेदार के पास गए और उन्होंने कोई छोटा सा कारोबार शुरू किया। कारोबार छोटा सा शुरू किया, उस समय उसका संपर्क सेवा के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। और उस समय वो ये कहने लगी, क्योंकि वो पुराने कपड़े बेचती थी, पुराने कपड़े बेचती थी, उसको पुलिस बहुत परेशान करती थी। तो एक बार पुलिस वाले ने उसको मारा, तब वो आई सेवा में, कि मुझे पुलिस वाले ने मारा, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, यही मेरी कमाई है। और वो प्रेग्नेंट थी, तो उसने कहा कि अब मैं, मेरा बच्चा भी आने वाला है, मैं क्या करूँगी, और रोने लगी। हम लोगों ने सब महिलाओं को इकट्ठा किया, पुलिस के पास गए, उसको फिर फाइनली बैठने की जगह दी। फिर ये देखा कि उसके पास कोई पूंजी नहीं है, तो वो सेवा बैंक, उसी समय हम लोगों ने सेवा बैंक की शुरुआत की थी। तो वो आई हमारे पास, उसने 100 रुपये का कर्जा लिया। अच्छा। 100 रुपये का कर्जा लिया, उसने अपना कारोबार बढ़ाया, फिर थोड़े साल के बाद फिर और कर्जा लिया, फिर और कर्जा लिया। अभी वो मुझे कल मिली थी, वो इसलिए मिली थी कि उसके 3 दुकान हैं। अच्छा। उसके 2 वर्कशॉप हैं, और उसके अब तो बड़े बच्चे हो गए हैं, वो दादी पर दादी हो गई है। तो वहाँ पे वो स्लम हटाया जा रहा है, वो स्लम में रहती है अभी भी, और वो स्लम हटाया जा रहा है, और सरकार उन्हें मकान दे रही हैं। तो वो ये चाह रही थी कि हमारे जितने दुकान हैं और जितनी हमने अपनी कमाई से कमाया है, वो कमाई हमारा जाए नहीं, और हमें इतने घर मिल जाए और इतनी दुकान मिल जाए। और एक्चुअली उसे मिल गया, यानी 30 साल में उसका फर्क आया। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से कि वो 100 रुपये का कर्ज उस वक्त का, और आज देखिए कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन रेनाना जी, जब हम आपकी ज़िंदगी की ओर की भी रुख करते हैं, तो हम पाते हैं कि आपके जो दादा दादी थे, वो ज़रूर इस तरीके के एक्टिविटीज़ में थे, यानी कि आपके दादा ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ थे, तो आपकी माँ दादी भी जो थी वो महिला आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, कि आपकी सोच इस तरह डेवलप हुई? मुझे लगता है बहुत ही प्रभाव पड़ा, और सेवा मैंने बहुत इसलिए पसंद किया क्योंकि वो ट्रेड यूनियन भी है और महिला आंदोलन भी है। तो बहुत दादा दादी के जो कर्म है वो मेरे सेवा में मुझे मिल गए। मैं मेरी दादी, दादा के साथ मेरा इतना संपर्क नहीं रहा, दादी आया करती थी, हम लोग दिल्ली रहते थे, दादा दादी बॉम्बे में थे, दादी आया करती थी, सिखाया करती थी,
और उनका शायद प्रभाव मेरे ऊपर ज़्यादा रहा। और सबसे ज़्यादा ये रहा कि वैसे तो पारसी थी, हम पारसी फैमिली के हैं, लेकिन वो सारे भगवान में मानते थे। तो वो सारे जितने भी प्रार्थना थे सारे प्रार्थना करते थे, जितने भी भगवान थे सबकी मूर्ति रखी हुई थी। तो उससे मुझे भी उन्होंने और समझाती थी मुझ, और जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीख था कि हमारे धर्म, हमारे देश में धर्म बहुत हैं, लेकिन अगर हम लोग साथ नहीं रहेंगे तो और भगवान एक ही है तो हमारा साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, ना साथ नहीं रहेंगे तो ये देश टूट जाएगा। तो ये सीख मुझे सेवा में भी मिला, और मुझे लगता है कि हमारी जो मेरा जो काम रहा है और सेवा का जो काम रहा है वो ये रहा है कि ये जो महिलाएं हैं, हमारी जो मेंबर हैं, ये महिला है, ये कामगार महिला है, कुछ काम करती है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनका पहचान कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, वो पहचान नहीं होना चाहिए। एक कामकाजी पर्सन और एक महिला, बिल्कुल। तो ये महिला के तौर से हम लोग सब साथ रहें, और उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आपको आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, एक उदाहरण दूँ तो ये दिल्ली का ही उदाहरण है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग सेवा वहाँ शुरू हुई गुजरात में, लेकिन अब हम लोग 14 स्टेट में काम कर रहे हैं। और जब मैं आई तब मुझे लगता है 500 महिलाएं थी, अब 20 लाख महिला हो गई हैं। क्या बात। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी दिल्ली में ही हम लोगों ने कुछ काम शुरू किया है, 4-5 साल हो गए हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाएं ये जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, बीडवर्क वगैरह का काम करती हैं। एक ही मोहल्ले में एक ज़्यादा मुस्लिम बहनें इस तरफ रहती हैं, ज़्यादा हिंदू बहनें इस तरफ रहती हैं, दोनों सेम काम कर रही हैं। और हम लोगों ने फिर पूछा कि कितना आपको मिलता है, तो बहुत, आप ये मानिए कि वो 8 घंटे काम करे और उसके हाथ में 20 रुपये आए या 30 रुपये आए, तो ये कोई काम कहलाता है? नाइंसाफी हुई है बहुत ज़्यादा। तो हमने पता किया कि एक्चुअली वो जो बनाती हैं वो बड़े बड़ी कंपनी की बनाती हैं, जैसे गैप, मॉनसून वगैरह, और वो उसका पूरा सप्लाई चेन होता है। तो एक ठेकेदार, सेकंड ठेकेदार, थर्ड ठेकेदार, उनके पास पहुंचते पहुंचते ये सारी कटाई हो जाती है। तो हमने कहा कि हम सब साथ मिलें और साथ बनाएं और साथ करें, तो हम लोग इस अपने बेइंसाफी कहिए तो इस शोषण का हम लोग पार कर सकते हैं, आवाज उठा सकते। लेकिन कुछ हिंदू थी, कुछ मुस्लिम थी, हम साथ कैसे बैठे, हम ये खाती है, वो खाती है। तो वो सब होने लगा, बहुत मुश्किल से ये लोग साथ बैठी। फिर उन्होंने साथ बैठ के एक अपनी एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रुआब रखा। कंपनी बनाते बनाते ये लोग साथ मिलने लगी, साथ दोस्ती हो गई। अब आप देखिए, एक दूसरे के घर जाती हैं, एक दूसरे की शादी में जाती हैं, और क्योंकि वो साथ मिल सकी इसलिए उनकी कंपनी भी आगे बढ़ रही तभी है। तभी ताकत, एकता में ताकत भी होती है, और तभी आप ट्रेड यूनियंस के साथ साथ सहकारी संगठनों के जरिए बहुत सेवा आगे काम कर रही है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हम बात कर रहे हैं रेनाना झाबवाला जी से। रेनाना जी, आपके हम लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, अभी आप महिलाओं के बारे में भी हमें बता रही थी, लेकिन अगर आपके परिवार के ऊपर ही बातचीत आगे बढ़ाएं तो आपकी माँ तो एक सेलिब्रिटी थी, एक बहुत बड़ी राइटर, बुकर अवार्ड के साथ 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता उन्होंने, लेखिका थी वो एक। आप भी लिखती हैं? मैं बिल्कुल नहीं लिखती। आप बिल्कुल नहीं? मैं बिल्कुल नहीं, एक्चुअली लिखती हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, उस टाइप का लिखती हूँ। मतलब नॉवेल्स या बुक्स नहीं लिखती? नॉवेल्स में मेरी
रुचि बहुत है, पढ़ने की रुचि है, लेकिन लिखने की कला नहीं है मेरे लेकिन पास। एक सेलिब्रिटी मदर की डॉटर होने पर आप पे उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा? उनका उनमें जो शक्ति थी, जो कला थी, जो क्रिएटिविटी थी, वो शायद मेरे में नहीं आई। मैं आप को बता रही थी कि मेरी ये रुचि गणित में थी, बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन मेरी मदर बहुत डिसिप्लिन्ड थी। वो सवेरे हमेशा लिखती थी, सवेरे 9:30 से 1:30 बजे तक। ब्रेकफास्ट के बाद मेरे फादर चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे। अगर हम घर में होते थे तो हमको डिसिप्लिन किया जाता था कि आप 9:30 से 1:30 बजे तक मम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो बहुत डिसिप्लिन से लिखती थी। तो अब वो डिसिप्लिन हमारे में आया नहीं आया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हम लोगों ने बहुत एडमायर किया। दूसरा ये है कि वो थी सेलिब्रिटी एक्चुअली, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो बाहर वो कोई भी फंक्शन में नहीं जाती थी। अच्छा। या वो 2 ऑस्कर जीत चुकी लेकिन ऑस्कर लेने एक बार भी नहीं गई। अच्छा। एक बार मेरी बहन को भेजा और एक बार शायद कोई देने आ गया। तो वो ऐसे फंक्शंस में जाती नहीं थी। सादा जीवन, बहुत सादी थी, बहुत सादी थी और बहुत शाय थी। विश्वास रखते हैं आप सब लोग, कर्म करते रहे आप सब लोग आगे। लेकिन गणित की बात आपने की, तो अभी भी गणित फॉलो करते हैं आप? हाँ, मुझे मजा आता है। मजा आता है, रिलैक्सेशन के लिए मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करती रहती हूँ। एक्चुअली गणित यू नो आप प्रैक्टिस ना करो तो भूल जाते हैं। तो मैं कभी अभी मैंने कैलकुलस की बुक ली और वो प्रॉब्लम्स कर रही थी। तो वो तो सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए। वो अब एक्चुअली आप खुद भी अब खुद भी दादी हैं। हाँ। तो आपके जो पोते पोती हैं वो भी कहते होंगे कि अरे दादी और मैथ्स कर रही हैं, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, क्योंकि मेरा जो लड़का है उसको मैं मैथ्स पढ़ाया करती थी। अच्छा। तो सब लोग अब सब बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाती लेकिन कई बच्चों को मैथ्स पढ़ा देती। लेकिन नाना जी, आप इतने व्यस्त जीवन जीती हैं, आप इतनी महिलाओं के काम के अधिकारों के लिए आगे आके काम कर रही हैं, आपके परिवार ने कभी आपको ऐसी शिकायत नहीं की कि मम्मा आपके पास टाइम नहीं होता हमारे लिए? आप फ्रॉम फादर मदर टू चिल्ड्रन सब ने शिकायत की। अच्छा। सिर्फ समय की नहीं, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स थे, अब मैं अमेरिका छोड़ के यहाँ आ गई और वो भी ऐसे काम में जिसमें कोई कमाई नहीं है, तो उनको भी तकलीफ तो हुई। फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन तकलीफ ही, कितना लड़की को पढ़ाया है और फिर ये काम कर रही है, थोड़ा सा उन्हें लगा। बच्चों में ऐसा है कि हस्बैंड ने भी सपोर्ट तो किया क्योंकि मैं बाहर भी बहुत रहती हूँ और हम मेरा एक ही लड़का है, तो वो लड़के वो छोटा था तो मेरे हस्बैंड हमेशा शहर में ही रहते थे, तो उन्होंने ज़्यादा देखा, शायद मैंने कम देखा। बच्चों को लगा भी होगा लेकिन वो कहा नहीं उन्होंने। लेकिन आपका काम इतना अच्छा है कि उनको लगता होगा कि बहुतों का भला हो रहा है, तो शायद मेरे को लगता है हर किसी ने आपके साथ जुड़कर कदम सबने तभी ये काम संभव हो सका। लेकिन अगर हम सेवा की भी बात करते हैं, तो जितनी हम महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने सेवा को आज यहाँ पहुँचाया, इला भट्टी से लेकर आप या फिर रीमानाना जवालों से या फिर उसके आगे जयश्री व्यास जी की बात करें, ये लोग तो प्रोफेशनल्स थे। जैसे आपने अपना करियर छोड़ा, जयश्री व्यास ने CA छोड़ दिए और नाना भट्टी जी ने तो अपना IAS का करियर छोड़ दिया। प्रोफेशनल्स इस वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये सेवा भाव किस तरह से, इसके लिए एक प्रतिक्रिया मिलती रही आपको जीवन में? एक्चुअली इस काम में भी प्रोफेशनलिज्म बहुत है। अगेन मैं आपको एक उदाहरण दूं, प्रोफेशनलिज्म की ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली। हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हैं जितने होने चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा प्रोफेशनल इसमें। और अगर अब आपके ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि इस काम में प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़रूरत है। अगेन एक उदाहरण दूँ, हम अभी मैं बिहार के अभी मीन्स पिछले महीने बिहार के एक गांव में गई थी, और 4 साल पहले उस गांव में गई, वो एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है और गाँव में सारे घर कच्चे थे, बिल्कुल कच्चे। वहाँ के लोग दूसरों के खेत में काम करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन और वहाँ पे बिजली नहीं थी, तो वो केरोसिन का वो जो छोटा सा लैंटर्न होता है उससे ही वो सब कुछ करते थे घर में। तो हमने पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, और वहाँ पे वो लोग सेविंग्स कर रही थी, ग्रुप बनाया था, सेविंग्स कर रही थी। तो हमने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवन है वो अंधेरे में है, कोई लाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी तरह लाइट आ जाए। फिर हम लोगों ने अगेन प्रोफेशनल से बात की कि ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब आएगी, अभी आप
सोलर इलेक्ट्रिसिटी ले आई है, एक सोलर कंपनी से बात की, वहाँ पे एक सोलर एक घर में सोलर शुरू किया। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने बनाया ही था, उन्होंने लोन लिया, उन्हें अपने घर में सोलर लैंप लगाया और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। वो घर में कुछ काम करती थी, बीड़ी का काम करती थी, वो ज़्यादा करने लगी और उनके घर में भी खुशी होने लगी। और अभी मैं जब वापस गई तो मैंने देखा वो घर कच्चे के कच्चे ही हैं, लेकिन हर घर में से एक सोलर पैनल निकल रहा है। क्या बात है। वैसे तो, मेरे को आपकी बातें सुन सुन के बार बार ये एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो सोच के साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है। आप अभी यूनाइटेड नेशंस भी गई थी, महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपने वहाँ बात की, भारत में आपकी इस पहल को कैसे देखा गया वहाँ पे? उसमें ऐसा है कि भारत में या बाहर जो महिलाएं और ख़ास तौर से जो गरीब महिलाएं काम कर रही हैं उसकी गिनती नहीं होती। मैंने आपको बिहार की बात की, बिहार में हम लोगों ने अभी एक स्टडी की थी और स्टडी का नाम है श्रम जीवनी, मतलब वो आप समझ सकती हैं। उसमें हमने पहले ये आंकड़ों में देखने की कोशिश की, मैं आंकड़ों में रुचि रखती हूँ, मैंने आंकड़ों में देखने की कोशिश की कि ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में, औपचारिक स्टेटिस्टिक्स में कितनी महिलाएं एक्चुअली काम कर रही हैं। ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में ये निकला कि 11% महिलाएं बिहार में काम कर रही हैं, 11%। अब आप कहीं भी जाइए, खेत में जाइए, वर्कशॉप में जाइए, रोड में जाइए, आप देखेंगे महिलाएं काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, महिला काम कर रही हैं। फिर हम लोगों ने अपनी स्टडी की या करवाया, अगेन प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से हमने स्टडी करवाया तो हमने देखा कि उन्हीं उसी डेफिनेशन में कि 60% महिलाएं काम कर रही हैं। अच्छा, तो उनकी गिनती ही नहीं होती। और ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, और सिर्फ हमारे देश का नहीं है। अब जब मैं यूएन में गई और मैंने ये कहा कि हमारे देश में ये, तो सब ने ये कहा कि हाँ हमारे देश में भी है। अच्छा। और ख़ास तौर से गरीब लोग जो खेत में काम करती हैं उनकी गिनती नहीं होती, जो पशुपालन कर रही हैं उनकी गिनती नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि ये यूएन में इंटरनेशनल लेवल पे कि महिलाओं की गिनती की जाए और उनकी जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ाई जाए कोशिश करनी, और ताकि वो ज़्यादा कमाएं और मुख्य प्रवाह में आ जाए। रिनाना जी, इतने सालों बाद अब आप आगे लाइफ में और कोई ऐसा सपना रह गया जो आपको लगता है अभी पूरा करना बाकी है? मुझे लगता है कि अभी कुछ काम किया ही नहीं है। अच्छा। अभी अगेन मैं प्रोफेशनलिज्म पे आपको ले जाती, अभी हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है, वो महिलाओं को घर बनाने के लिए। अब कोई भी जब हम लोग महिलाओं के ग्रुप इकट्ठा करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो ये कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा सपना, दो सपने हैं, कि हमारे बच्चों को कि अच्छी नौकरी हो जाए या वो पढ़ जाए, और हमारा एक घर बने, घर अपना एक घर। तो महिलाओं को घर देने के लिए हम लोगों ने एक कंपनी शुरू की है, सेवा गृह ऋण, मतलब कि वो उनको ऋण मिले, लोन मिले अपने घर के लिए। तो वो एक बहुत प्रोफेशनल काम भी है और एक बहुत सेवा का काम भी है। तो एक कंपनी चलाना और कंपनी को बड़ा करना, वो हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग चले जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आई जा रही हैं, तो अब मेरे लिए ये एक नया चीज़ है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जितनी महिलाएं हैं उनके सपनों को पूरा करने का यही सपना आप जी रही हैं। और यहाँ रिनाना जी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जो काम आप कर रही हैं इसमें आप लगातार सफल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। तो ये थी आज की तेजस्विनी रिनाना झाबवाला। अगले हफ्ते होंगे फिर हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।